हेलो दोस्तों, स्वागत है हम सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज के हमारे टॉपिक में हम कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व्स पर भी वीडियो बनाए हुए हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो वीडियोज भी देखें। तो आइए जानते हैं कि कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स होते क्या हैं, क्या ये सेम है या फिर इन दोनों के बीच किसी भी तरीके का डिफरेंस है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक बात कह दूं कि कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स लगभग दोनों का डेफिनेशन सेम ही है, बस अंतर जो है वो ओनरशिप में आता है। किस तरीके से, हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए इनके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। दीज टर्म्स डिनोट द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया विच टिपिकली एक्ट्स एज बफर जोन्स टू और कनेक्टर्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। हमने ऑलरेडी देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उससे थोड़े बहुत बड़े नेशनल पार्क्स और उनसे थोड़े बड़े बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। चलिए ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स का तरीका ही अलग है उसे रिकॉग्नाइज करने का, उसे मेंटेन करने का। लेकिन एज फार एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर कंसर्न, तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास एक बफर एरिया या फिर बफर जोन तो होगा। अगर ये कोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जहां पर एलिफेंट वगैरह कॉरिडोर्स हैं या फिर एलिफेंट के प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह उसे घोषित किया गया है, तो आसपास के रीजन में भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज तो होंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स तो होंगे, तो इसे बफर जोन कहा जाएगा। तो इस बफर जोन को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, उसे भी जो है भारत सरकार या फिर जिस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में उस एरिया है उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ कंजर्वेशन रिजर्व या फिर कम्युनिटी रिजर्व। तो इस दोनों के बीच फर्क देखते हैं। देखिए, सच एरियाज आर डिजाइनेटेड एज कंजर्वेशन रिजर्व्स इफ दे आर अनइनहैबिटेड एंड कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट यूज फॉर सब्सिस्टेंस बाय द कम्युनिटीज एंड कम्युनिटी रिजर्व्स इफ अ पार्ट ऑफ द लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड। अगर मान लेते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसके आसपास थोड़ा बहुत रिजर्व्ड एरिया करते हैं जिसे बफर जोन कहा जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी कम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कोर जोन में तो किसी हाल में आपको एंटर होने नहीं देंगे। अगर नेशनल पार्क है तो और भी स्ट्रिक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि आसपास का जो बफर रीजन है, अगर ये पूरा रीजन भी भारत सरकार के कंट्रोल में आता है तो उसे कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाएगा। वहां पर किस तरीके से लोग सेटलमेंट होंगे, किस तरीके से जिंदगी बसर करेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस किस तरीके से होगा, ग्रेजिंग वगैरह के राइट्स क्या हैं, वो भी भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन अगर इस पूरे एरिया में थोड़ा बहुत लैंड जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है, तो उस प्राइवेटली ओन्ड लैंड को जो है कम्युनिटी रिजर्व की तरह अनाउंस किया जाएगा। बस इतना ही अंतर है दोनों के बीच, ज्यादा कुछ भी नहीं है। These protected areas categories were first introduced in Wildlife Protection Amendment Act of 2002. तो ये हाल ही में ही बनाया गया था। The Amendment to Wildlife Protection Act of 1972 को amend किया गया था 2002 में, और 2003 से जो है हमें ये community reserves और conservation reserves का concept देखने को मिल रहा है। These categories were added because of reduced protection in and around existing or proposed protected areas due to private ownership of land and land use. बिल्कुल सही है, national park है वहाँ पर हर हाल में restrict किया गया human activity, लेकिन जो आसपास का बफर रीजन है, मान लेते हैं कि यहां पर थोड़ा बहुत पार्ट प्राइवेट लैंड है, तो यहां से तो एंक्रोचमेंट हो सकता है, यहां से इलीगल काम हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां से इस प्राइवेट लैंड से जो है आप उस नेशनल पार्क में एंक्रोच कर सकते हैं, ट्रेसपास कर सकते हैं, जो गलत काम है वो आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, पोचिंग वगैरह कर सकते हैं, इलीगल जो ट्रेड वगैरह है आप कर सकते हैं, हंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के मिसयूज ना हो लैंड, जब अगर प्राइवेट ओनरशिप में हो, तो इस तरीके के लैंड को रेगुलेट करने के लिए जो है ये अमेंडमेंट लाया गया था। इसे एक कम्युनिटी रिजर्व कहा जाएगा और बाकी का जितना भी रीजन जो कि भारत सरकार या फिर किसी भी स्टेट के सरकार के ओनरशिप में है तो उसे कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाएगा। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।